इंसान माटी का पुतला है जिसे भगवान बनाते हैं, पर ये माटी के पुतले या माटी से भगवान गढ़ते हैं। हुगली नदी के किनारे ये कोलकाता का कुमार टोली है। कुमार टोली बोले तो कुम्हारों की बस्ती। यहीं बनती है देश की हजारों दुर्गा प्रतिमाएं। यहीं से आती है माँ दुर्गा सजे धजे पंडालों में। इस कुमार टोली से जुड़ी है बंगाल की भावनाएं, आस्था, सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक पहचान, कला, कौशल और परंपरा के मजबूत तार। ये जो गणेश, कार्तिकेय, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, माँ दुर्गा की छोटी बड़ी बनी अतबनी और कुछ सजी धजी मूर्तियां देख रहे हैं, ये सब असाधारण काम इन साधारण से दिखने वाले हुनरमंदों के हुनर और मेहनत का नतीजा है। पहले लकड़ी और बांस का फ्रेम बनाना, तो उधर खास जगह से निकलने वाली चिपकने वाली इतल मिट्टी का प्रबंध करना, फिर बांस और लकड़ी के खांचे ढांचे पर पुआल लपेटना, अब लाई गई मिट्टी को तैयार करना, गूंदना, हाथ से ही नहीं पैरों से भी। अब कोठे की ड्योढ़ी की मिट्टी इसमें नहीं मिलाई जाती, धान की भूसी जरूर मिलाते हैं। अब इस मिट्टी को लकड़ी, बांस और पुआल से बने आकार पर लपेटते हैं, उसको आकार देते हैं, इस तरह कि सब कुछ साकार हो जाए। मूर्ति को सुखाना एक मुश्किल काम है, एक तो मानसून के ठीक बाद का नमी भरा समय, दूसरे कम जगह। हमारे यहाँ मूर्ति नहीं बनता, लेकिन पूरा यहाँ मोहल्ला का पूरा मूर्ति बनता, 6 महीने इतना मूर्ति इतना कम समय में नहीं हो पाती, क्योंकि बारिश भी होता है, लगातार बारिश भी होता है, बारिश की वजह से थोड़ा कम भी ठप पड़ जाता है। मूर्ति सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इस इतल मिट्टी से बनी मूर्ति पर अब लेपन होता है, बेहद महीन कणों वाली बेले मिट्टी का। ये न केवल दरारें और दरकन की माकूल दवा है, बल्कि इससे मूर्ति में प्लास्टिक सरी की चिकनाई और चमकदार फिनिशिंग आ जाती है। इतल के बाद बेले के इस्तेमाल की प्रक्रिया को दो माटी कहते हैं। इसके बाद होता है वो काम जिसे बहुत अनुभवी मूर्ति शिल्पी ही कर सकता है, यह है माँ दुर्गा की आंख बनाना। माँ के केश मुस्लिम कारीगर बनाते हैं, रह गया बस रंग भरना, शानदार कपड़ों और लगतक गहनों मुकुट से माँ को सजाना। पर यह सब इतना आसान नहीं, अप्रैल से अक्टूबर हो जाता है। डेवलपमेंट के लिए बातचीत हुआ, आगे जो गवर्नमेंट था हमको यहाँ पर, लेकिन वो भांग दिया, देखिएगा पूरा भांग हुआ है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको टर्न्ड आया, लेकिन भाव वहाँ से बाद गवर्नमेंट पार्टनर किया वो और कुछ नहीं किया। कुमार टोली में दुर्गा प्रतिमाएं बनाने की ये परंपरा 100 साल पार कर चुकी है। कल्पना शक्ति, रचनात्मकता और सदैव हाथों से बरसों धैर्य पूर्वक इसकी साधना के बाद ही कोई कोई कारीगर इस कला कौशल में पारंगत होता है। आज कुमार टोली की मूर्तियाँ ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड जैसे दर्जन भर देशों में जाती है, तो इसमें यहाँ के हुनरमंद और समर्पित हाथों का हाथ है। लेकिन इस उत्सव के माहौल में ये बात थोड़ा निराश करती है कि इन पतली संकरी गलियों और बोसीदा मकानों में किसी तरह जिंदगी बसर करने वाले कुमार टोली के ये कमाल के कलाकार बदहाल हैं। मूलभूत सुविधाओं से महरूम ये इलाका धीरे धीरे शहरी स्लम में बदलता जा रहा है। इनका इनके काम का कोई बीमा नहीं, मूर्तियों के दाम में बढ़ोतरी के बावजूद इनको बड़ा लाभ नहीं, मूर्ति ना बिकने पर भारी घाटा उठाने को ये मजबूर हैं। क्रेज बड़ा है, नए नए फ्लैट हो रहा है, नए नए ये बन रहा है, नए नए मोहल्ला बन रहा है, वहाँ मूर्ति जा रहा है, लेकिन उसी हिसाब से कोई यहाँ कोई ये नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बदलाव नहीं। कभी 16 एकड़ में बसे इस इलाके को आज शहरीकरण ने तंग कर दिया है। हालात ये हैं कि मूर्तियां बनने, सामान औजार रखने, बनी मूर्तियों को सहेजने और यहां तक कि इनके खाना बनाने, सोने के लिए भी जगह की किल्लत है। इस सीमित संसार में रहने वाले यहां के कलाकारों और कारीगरों के जीवन में कष्ट तो है, पर इस बात का संतोष भी कि वे जग जननी माँ को रचते हैं। शायद इसीलिए इतना सब होने के बावजूद ये अपने चेहरे की शिकन को नुमाया होने नहीं देते, कर्मयोग में लगे रहते हैं। महिषासुर मर्दिनी माँ इनका भी दुख हरेंगी। एनटीआई पॉकेट टीवी के लिए कलकत्ता के कुमार टोली से जयराम की रिपोर्ट। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।